अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड वेलकम. इन दिस वीडियो बात हो रही है अपॉर्चुनिटी की. अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या आपने गलती नहीं करनी और क्या फ़र्क है आइडिया और अपॉर्चुनिटी का. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं. एक बात याद रखिएगा कि जितने सोर्सेज मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये सोर्सेज इतने लिमिटेड नहीं हैं. आपको सिर्फ आइडिया दिया जा रहा है कि अगर आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल आय ओपन करनी है, आपने अपॉर्चुनिटी किस तरह से ढूंढनी है, उसके लिए आप यूं समझ लें कि ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ब्रॉडली अगर हम देखें तो तीन तरह की कैटेगरीज आप कह लें जिसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने इर्द गिर्द के ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व करें तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. नंबर टू, अगर हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बहुत खूबसूरत बात बहुत से साथी, ख़ास तौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो शेयर करते हैं. वो ये कहते हैं कि जहाँ पे दूसरे लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझता है और उसको बिजनेस जो है एक वेंचर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है. और तीसरी, हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो हमारे इर्द गिर्द की जो मार्केट है उसके अंदर अगर हम कोई गैप ढूंढ पाएँ तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ हंट की जा सकती हैं. अगेन, जो ट्रेंड्स हम आपसे शेयर करने लगे हैं ये इतने लिमिटेड नहीं हैं. ट्रेंड्स अनलिमिटेड हैं. जितनी आपकी नज़र आपके इर्द गिर्द जा सकती है आप देख सकते हैं. आपको सिर्फ हिंट दिया जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, ग्रीन ट्रेंड का नाम दे रहे हैं. आपने देखा होगा कि आजकल ग्रीन ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है. अच्छा, ग्रीन ट्रेंड बेसिकली है क्या? यू नीड टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. हर वो प्रोडक्ट जो आप डिज़ाइन कर सकें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है. आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे आजकल जहाँ भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं आपको पेपर बैग्स दिए जाते हैं और उन पेपर बैग्स पे स्पेशली प्रिंट किया होता है कि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग है. फिल फॉर डिज़ोल्व हो जाता है. और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पेपर्स जिनके पीछे स्पेशल स्टैम्प की जाती है कि ये पेपर्स उन दरख्तों की लकड़ी से बनाए गए हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जो बहुत जल्दी उगते हैं. ये क्या है? ये बेसिकली एक ग्रीन ट्रेंड है. कैंपेन ये चल रही है कि हम इंसानों ने इस पूरे इन्वायरमेंट को अपने यूज़ के लिए, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. सो अब हमने इसको ठीक करना है. सो इसीलिए हर वो चीज़, जिस तरह आपने सुना होगा आजकल गवर्नमेंट थोड़े ख़ास तरह के मेजर्स ले रही हैं प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के लिए, तो अगर प्लास्टिक बैग बैन हो रहे हैं तो आपके पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है? बैग्स की ज़रूरत तो रहेगी, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कुछ ऐसे बैग्स बना सकें जो कि प्लास्टिक के नहीं हैं, किसी भी और मटीरियल के हैं और वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं? सो दिस ग्रीन ट्रेंड कैन गिव यू लॉट मैनी आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं. फिर एक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है क्लीन एनर्जी का. ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा इशू है. हम बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब तो हम हर चीज़ वायरलेस पर आ गए हैं और हर वायरलेस चीज़ को चूँकि चार्ज करना पड़ता है, सो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अच्छा, क्लीन एनर्जी के अंदर आपने देखा होगा सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. बल्कि अभी रिसेंटली अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं, आई डोंट नो ये इंटरनेट पर अब अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन एक बिज़नेस आइडिया ऐसा भी था कि जिसमें वो ये कह रहे थे कि हवा में जो नमी है, हम कोई ऐसी मशीन बना सकें कि हवा की नमी से एक ऐसी बॉटल हो कि जिसके अंदर पानी जो है वो भर जाए खुद ब खुद, सो हम हवा से भी पानी को हासिल कर सकें. ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से क्रिएट हो रही हैं? ये डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें क्लीन एनर्जी का भी एक बहुत और देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है.
लाइकवाइज आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. बहुत से लोग अब इस तरह की सब्जियां खाना चाहते हैं जिनके बारे में अश्योर किया जाता है उनको कि इनके ऊपर कोई केमिकल्स नहीं इस्तेमाल किए गए, खाद में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, इनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किए गए, और ये बहुत ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ये घर पे उगाई गई वेजिटेबल्स हैं, ये प्रोडक्ट बहुत ऑर्गेनिक है. कॉस्ट जो हमारे पास कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर ख़ास तौर पर अचानक ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी मेक इट श्योर कि जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सप्लाइज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है और वो ह्यूमन फ्रेंडली हैं. ये सारा ट्रेंड अगेन इस वक्त चल रहा है. सो अगेन आपके जहन में कोई और ऐसी चीज़ आ सकती है कि जिसमें आप बहुत ऑर्गेनिक हो सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे आजकल बहुत इन है और बहुत छोटे पैमाने के ऊपर हो रही है, और लोग ज़्यादातर जैसे सैलड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ रही है और अच्छी प्राइस पर ख़रीदने के लिए तैयार भी हैं. फिर उसके बाद एक और बहुत ट्रेंड चल रहा है, दैट इज़ फिटनेस एंड हेल्थ. लोग अपने फिटनेस और हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, उनकी डिजिटल प्रेजेंस में वो दे मेक वॉन्टेड टू मेक इट श्योर कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं. और चूँकि हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इशू हम बनता चला जा रहा है. सो फिटनेस इज़ अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री. आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा पहले इतने फिटनेस हेल्थ सेंटर्स नहीं थे जितने अब हैं. सो अगेन दिस इज़ अ ट्रेंड. क्या आप इस ट्रेंड को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? फिर एक और ट्रेंड की बात करते हैं, एंड दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग ट्रेंड. हमने ये देखा है पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, इट्स एवरीवेयर. अब तो ये कहा जाता है कि अगर आप इफ़ यू डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द फेसबुक यू डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के कई सोशल मीडिया के ऊपर आपकी नेटवर्किंग है, आपकी प्रेजेंस है. लोगों ने बहुत से काम सिर्फ शौक के तौर पे शुरू किए थे, अब बाकायदा वो प्रोफेशनल बन चुके हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्होंने अपनी वर्चुअल कम्युनिटीज़ डेवलप कर ली हैं. और उन वर्चुअल कम्युनिटीज़ को बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ लाइक्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब बड़ी बड़ी बाकायदा फॉर्मल कॉरपोरेट बिजनेसेस भी उनके पास जा रहे हैं फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस. सो अगेन इट्स अ ट्रेंड. क्या आप ओपिनियन मेकर बन सकते हैं? क्या आप कोई वर्चुअल कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं? क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके अपना कोई बिजनेस आइडिया लॉन्च कर सकते हैं? अब तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक जगह से प्रोडक्ट बाय करते हैं, दूसरी जगह पर बेच देते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग देयर बिजनेस. फिर उसके बाद एक और नया ट्रेंड, दैट इज़ ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर. पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा अब बहुत सी ऐसी छोटी छोटी फर्म्स आपके सामने आ रही हैं जो आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करवा रही हैं. ये क्या है? ये है कि बेसिकली जो नई यंग लॉट है जिसको जेनरेशन वाई कहते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, दे लाइक टू यू नो डू सम एडवेंचर्स. वो ट्रैवल करना चाहते हैं और अब बहुत सी एजेंसीज आ रही हैं जो आपकी ट्रैवलिंग और आपके एडवेंचर के शौक को पूरा कर रही हैं या अपनी सर्विसेज लेकर आ रही हैं. लाइकवाइज यही इसी सिलसिले में जो हम बात कर रहे थे कि ब्लॉगर्स और वर्चुअल कम्युनिटीज़ बन रही हैं, ये ब्लॉगर्स और वर्चुअल कम्युनिटीज़ सिर्फ इस हद तक नहीं है कि वो फ़न एलिमेंट है, ये बाकायदा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकायदा मार्केटिंग फर्म्स हैं, और वो छोटे बिजनेसेस को हेल्प भी कर रही हैं कि वो अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करें. इन सारे ट्रेंड्स के ऊपर बात करते हुए जब हम आगे चलते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रेंड्स आपको एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या आप अपने इर्द गिर्द इन तमाम ट्रेंड्स से वाकिफ हैं? प्लस क्या आप से जब हम ये ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे तो आपके जहन में कुछ और ट्रेंड्स भी सामने आ रहे थे, जहन में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? ये सारे ट्रेंड्स ऑब्जर्व कीजिए. ये सारे के सारे ट्रेंड्स आपके पास ग्रेट सोर्स हैं फॉर क्रिएटिंग अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और भी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.